बताइए आप भाजपा की गंदगी नहीं, भाजपा के फूल बटोर रहे हैं। बिल्कुल, जो आप घर छोड़ के जाएंगे वो सब बटोरेंगे। आइए, 10 साल तक आप लोग ये देखिए, लाइए वहाँ, आइए चलिए, भरो भरो भरो, नहीं देखे ये भाजपा खा के देखो। यहाँ आइए, उनको बुलाओ, अजय राज जी को, अजय राज जी पूजा कर जाए भाई, पूरी बात पूरी वाले के कर जाएगा। ठीक है, मेरा नाम हरीश मिश्रा है और मैं कांग्रेस सेवा दल वाराणसी का जिला अध्यक्ष हूँ। कल हम लोग अमित शाह और योगी जी का जब विरोध कर रहे थे तो हम लोग प्रशासनिक कब्जे में चले गए, हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। आज हम पूरे कांग्रेस जन लोग इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इस मैदान पर हैं, जहां पर कल युवा उद्घोष नाम का एक फर्जी आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, जहां पर युवाओं ने कोई भागीदारी भी नहीं ली। लेकिन ये देखिए कि पूरे मैदान को जिस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, गड्ढे कर दिए गए, इस मैदान को ना ही किसी पॉलिटिकल स्तर के लिए अलाट किया जाएगा। इस बात की कार्य परिषद की नियमावली है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों ने और यहाँ के बीसी ने भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए इस मैदान को अलाट किया और उसके बाद इस पूरे मैदान पूरे गड्ढे से गड्ढा कर दिया गया है। इसको हम सभी कांग्रेस जन लोग अपने महात्मा गांधी जी के नीति और सिद्धांत के साथ इसको पाटेंगे और फिर से यहाँ के खिलाड़ियों को यह समर्पित करेंगे इस पूरे मैदान को, और यह शपथ लेते हैं कि अब आइंदा कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम अगर इस मैदान में किया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, हम सभी लोग संयुक्त रूप से इस मैदान की रक्षा के लिए जी जान से संघर्ष। एक और चीज़ देखा गया कल यहाँ पे, महात्मा गांधी का शिविर का कितने गांधी जी का नाम जिक्र नहीं किया गया, ना माल्यार्पण, ना कुछ भी। देखिए एक बात हम बता, जिसे आप कहते हैं कार सेवा, जो बाद में हम लोग ये जो यहाँ पर गड्ढे किए हैं उसको भरने के जो बच्चे हैं उनको भरने के प्रयास कर रहे हैं, यहाँ जो गंदगी है उसको उठा रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ देखा गया कि कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, गांधी जी का माल्यार्पण, न उनकी कुछ बात उठी क्या कहेंगे जी इस पर? देखिए राजनीति नहीं करेंगे इस पर, ये यही कहना चाहती हूँ कि जो मेन इशू तो देखिए वो तो अपने अपने पार्टी की जो विचारधारा है, जो किसको सम्मान सचमुच में देते हैं या सिर्फ जब मौका पड़ता है और पब्लिक के उसके मूड के हिसाब से देना चाहते हैं, तो ये चीज़ तो अलग चीज़ है। जो जनता को खुद अपने संयम से और अपने विवेक से ये चीज़ जानने का उन्हें प्रयास करना चाहिए कि कौन असली में विचारधारा के साथ चलने वाला है और कौन सिर्फ वोट के लिए और उसके लिए चल रहा है। कल कुर्सी काफी खाली मिली यहाँ पर, क्या वजह होती है? बिल्कुल, आधा से ज़्यादा मैदान खाली था और हमें बताया गया, जैसे हमारी जो खबर मिली कि उसमें बाहर से लोगों को पहले तो कालक के नाम पर जैकेट और वो सबको मना कर दिया गया कि अंदर नहीं आएंगे, बाद में चलते हुए राहगीरों को बुला बुला करके अंदर सीट भरी जा रही थी। तो जो भी था ये बहुत दुखद था, क्योंकि जो ये खेल का जो जिस पर्पज से ये ग्राउंड बना है खिलाड़ियों के लिए, वो उसको बार बार पॉलिटिकल लोग अपने पर्पज से इसको खराब करते हैं, खराब करके चले जाते हैं। किस तरह सफाई की है, क्या कर देंगे इसके बारे में जी? सफाई किस तरह की है और क्या कर देंगे? सफाई बहुत बड़ा ग्राउंड है सफाई, और इसको वापस अपनी स्थिति में लाने में महीनों लगेगा। ये तो सिर्फ एक प्रतीक है, आज जो हम कर पाएंगे इसमें इतने लोग लगेंगे, सफाई तो बहुत दिन चलेगी, लेकिन बात है कि जब तक आप ठीक करेंगे फिर कोई कार्यक्रम के लिए लग जाएगा, चुनाव आने वाले हैं तो ये कब तक चलेगा? ऐसे बच्चों के यहाँ खेलते कूदते ग्राउंड है, यही बात है, यहीं पर सारे पूरे शहर के सारे क्रिकेट के टूर्नामेंट सब कुछ तो यहीं होते हैं, तो आप उसको, आपके पास जगह की कमी नहीं है, शासन प्रशासन सब आपके साथ है, उसके लिए जगह बनी हुई है, आप लोग को वहाँ जाना चाहिए। ये खेल के मैदानों के हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि खिलाड़ियों के लिए, छात्रों के लिए जो खेल का मैदान है उनको जो एक दी गई है उसको सिर्फ छोड़ दें, बाकी